इम्तियाज भाई, हाँ बोलो ना, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी क्या भाई यार, चाली बसा के आज अपने आप को। क्या ये आपने जो पहले चाली बनाई थी वो क्या योजना थी? मैंने 2007 में जो है ये फहमीदा कासम खांडे और मुमताज राउत, ये दोनों से जगह लिया था करीबन 15-15.5 लाख की। जगह को कोई पूछता नहीं था, खाड़ी में थी, सानिया हॉल के पीछे। लोग आते थे, काम करते, थोड़ा बहुत चले जाते। तो मैंने उनसे इंस्टॉलमेंट पे जगह लिया था, 1.5 लाख कैश दिया था और 14 लाख 3-3 हज़ार 3-3 महीने का चेक दिया था एक अस्सी का। और काफ़ी मेहनत करा, काफ़ी स्ट्रगल करा। यहाँ लोग आते नहीं थे, खाड़ी थी तो लोग घबराते थे कि पानी भरता है, ये भरता है। लेकिन जा जाके गोंडी से, कुरला से, घाटकोपर से, मलाट से, वहाँ से जा जाके कस्टमर लेकर आया, 2000 रुपया महीना इंस्टॉलमेंट पे घर बेचा और काफी अच्छा चल रहा था उसी भी। ये जरूरतमंदों की मदद के लिए थे या आपका? नहीं नहीं, ये उन लोगों के लिए था जो बेचारे आज कई जमाने से, मतलब ये घर से वो घर, वो घर से वो घर, पूरी जिंदगी उनकी चली जाती लेकिन वो घर नहीं बना पाते। तो ये आपने सपना था? हाँ, यानी एक सपना था, सोच थी कि भाई समाज सेवा की थी आपने। समाज सेवा मतलब लोग तो कैसे आश्वासन देते, जो बड़े बड़े नेता है उसी आश्वासन देते, यहाँ दे देंगे, वहाँ दे देंगे। हमने कोशिश करी और वहाँ 140 घर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 रुपया महीने में लोगों का साथ मिला, करोड़पति तो थे नहीं। कुछ लोगों के आरोप लगाने के बाद आपके नहीं, मैं हारा नहीं। कुछ कार्रवाइयाँ भी, हाँ कार्रवाई हुई थी, हारा नहीं। ये जो फहमीदा कासम खांडे और मुमताज राउत, इन लोग की नियत में आ गई, ये कौन लोग? इन लोग से मैंने जगह खरीदा था 2007 में। इन लोगों को बाकायदा पैसा दिया, जागीर सूरती के जरिए कैश दिया। आपके पास उसका कोई दस्तावेज है? दस्तावेज है ना सबके पास, इस तरीके से मैंने लिया था। ये मैंने उन लोगों से जो है 2007 में 1 जनवरी को मैंने सौदा किया था इन लोगों से, और 1.5 लाख कैश दिया और 180-180 के चेक दिया। अच्छा, चेक देने के बाद पहला चेक मैंने इनका पास कराया और दूसरे चेक के डे पे भातंकर ने मेरी साइड आके तोड़ के चले गए। तकरीबन 15-16 लाख का नुकसान हो गया। अच्छा, तो उस टाइम पे मैंने क्या करा, उनको चेक के जरिए कैश पैसा दिया और कैश पैसा मैंने हमीद बम और जहांगीर सूती के जरिए दिया। अच्छा, लेकिन इन लोग ने चेक वापस नहीं करा, बोले वो जो लोग है वो बहुत मुत्तदी लोग है, उनके अब्बा मुत्तदी है, 15 दिन आपका चेक मिल जाएगा, आप घबराओ मत, जब भी आपका पूरा पेमेंट क्लियर हो जाएगा हम लोग चेक रिटर्न करा देंगे। चार चेक उसमें फहमीदा कासम खांडे के थे और 4 मुमताज राउत के। उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? है ना, मेरे पास सब रिकॉर्ड है, फाइल है सबके पास। दिखा सकते क्या वो सेल डीड होगी जो आपने जगह खरीदी? हाँ, जगह खरीदा है। फिर ये फहमीदा कासम खांडे, इनको मैंने जो है सुहेल लोकदे के सामने, जो सिराज डोंगरे के रिश्तेदार है, उनके सामने साइन वगैरह हुई। और ये देखिए, ये 7,20,000 रुपये उनका अमाउंट था, जिनकी 10.5 घंटा जगह थी टोटल, उसमें से उन्होंने 2,34,000 की जगह मुझसे रिटर्न ली, 333 यार्ड। ये जाहिद अली खान को 17 साल पहले हमीद डोंगरे ने बेचा था, जिसके ऊपर पुलिस चौकी में चैप्टर का केस लगा हुआ है और मकोका भी लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, और जो बचा था इनका 4,500,000 रुपया, उसके बदले इनको मैंने धूम अपार्टमेंट में 1500 फुट माल दिया और 50,000 कैश दिया। 2 फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे और 2 फ्लैट सेकंड फ्लोर पे। और बाकी था उनकी साइन है, सब कुछ है, नोटी कराओ, पेपर है ये। इसके बाद भी इन लोगों को लालच आया, इन लोगों ने कोर्ट में केस डाला। 7 चेक मेरे, एक ही चेक बाउंस था, 6 चेक इन्होंने मुझे रिटर्न नहीं किया और 7 चेक डाल के कहा कि 2 साल पहले हमने जगह बेची थी इंटरव्यू को, लेकिन बाद में इन्होंने पेमेंट नहीं करा तो हमने कैंसिल कर दिया, जबकि कोई कैंसलेशन लेटर वेटर नहीं है इनका, कोई कैंसलेशन लेटर नहीं है। और इन्होंने कहा कि इम्तियाज भाई ने 2 साल बाद जब हम लोग आए तो म्यूनसिपलिटी से मिल के और इम्तियाज भाई ने यहाँ चालियाँ बना दी और लोगों को इंस्टॉलमेंट पे घर बेच दिया। तो 2 साल काफी लंबा अरसा होता है, क्योंकि 5 लाख का तो इन्होंने मुझे माल डाला था, रेती, ईंट, सीमेंट। अच्छा, यही लोग सप्लायर भी थे? सप्लायर भी थे इनके, बाकी तो फिर इन्होंने ऐसा कैसे आरोप लगाया? इन्होंने मुझे आरोप जब लगाया तो मेरे वकील ने जवाब दिया कि भाई आपने पहली बात तो जब अगर जगह कैंसिल की तो कैंसलेशन लेटर क्यों नहीं लिया, दूसरी बात आप बोलते 2 साल हम यहाँ आए नहीं तो ये ईट रेती जो सप्लाई हुई, जो आपके बिल है राउत के, ये फिर माल कहाँ से है? क्या 1 दिन में इन्होंने पूरा 70 घर बना दिया? घर बनाने के लिए करीबन कुछ नहीं तो 70 घर बनाने में 1 साल तो लगता है, क्योंकि 4 टाइम कार्रवाई हुई म्यूनसिपालिटी में, उसका सबूत है। यासी सुर में भी जानते हैं, जब पहली बार कार्रवाई हुई थी भातंकर ने किया था तो मेरे करीबन 10 घर और 5 दुकानें पूरा प्लेन कर दिया था, हर पेपर में आया था। तो इन लोगों को क्या खबर नहीं मिली?
ये इन लोग का झूठा इल्जाम लगाने का तरीका है क्या? मट्टी बन गई सोना, तो इन लोग के दिल में आ रही लालच। और इन लोग ने लास्ट टाइम मुझसे कहा कि मुझे 50 लाख रुपया दो या तो 50-50% पार्टनरशिप दो तो हम लोग आपको एनओसी देंगे, जबकि मैंने पैसा दे चुका था, खाली एक आखिरी चेक बाकी था 1,80,000 का, जो मैंने कहा कि आके अपना पैसा ले जाए, मुझे रजिस्ट्री करके दे। तो इन लोग बोले अभी हम लोग बाहर है, अभी यहाँ है वहाँ बहाने करते रहे, और बाद में वकील के जरिए इन्होंने मेरे ऊपर केस ठोक दिया, और मैं केस लड़ रहा हूँ 3-4 साल से, और माशाल्लाह से एक बार केस डिसमिस भी हो गया, उसका बाकायदा लेटर भी है मेरे पास डिसमिस होने का। फिर इन लोग ने हमें डोंगरे के बोलने पर फिर वापस केस किया, और फिर जो भी बिल्डर मेरे यहाँ के काम करता है, यूसुफ या इकबाल बचुआ, उनके लोग धमकियां देते और फिर उनसे ऑफर करते कि इम्तियाज भाई को समझाओ, अगर आप लोगों को काम करना है तो मुझे 50% की पार्टनरशिप दो। जब मैंने जगह खरीदा तो मैं उसकी पार्टनरशिप क्यों दूं? और मैंने मेहनत करा उसमें, जब वो खाड़ी थी जब से मैं बना रहा हूँ, बाकी लोग जानते इस चीज को, उनके रिश्तेदार सब जानते कि मैंने पैसा चुका चुका, जो यहाँ के बड़े बड़े जो नेता है, कुछ उनके ताल्लुकात वाले नेता है, जो उनके भाई है वो नगर सेवक है, वो भी जानते कि मैंने पैसा दे चुका हूँ। लेकिन इनका जुल्म खत्म ही नहीं हो रहा, इनको भीख मांगने की आदत पड़ी, एक जगह को 3-4 टाइम बेचते हैं लोग। पहले इन्होंने जाहिद अली खान को 17 साल पहले बेचा वही जगह, जिसके लिए केस बना, हमें डोंगरे का चैप्टर का केस लगा, मको का लगा, उसके बाद इन्होंने मुझे बेचा, फिर मेरे बाद इन्होंने जाके ये अकील भाई करके एक है और आसिफ दूद अमृत नगर में, उनसे 7 बार उतारा दिखाकर 17 लाख रुपया उनसे ले लिया। अभी हाल ही में 1.5-2 साल पहले इकबाल बचुआ से इन लोग ने 5 लाख रुपया, जो मैंने जो बिल्डर को लाया था, अपनी 2 बिल्डिंग दिया था, तो वो बिल्डिंग को और जगह लेना चाहता था वो, तो उनको दिखाया कि 7 बार उतारा हमारा है, इम्तियाज भाई से हमारा केस चल रहा है, इम्तियाज धूम जीतने वाला नहीं है, तो हमको 5 लाख रुपया दो, 5 लाख उनसे लिया। मैंने काफी लोग परेशान करा, बाद में मोर्चा लेकर ये वहाँ बैठे थे प्रिंसिपल के सामने, मांगने का नया तरीका। हाँ, तो उसकी मैंने फोटो भी पेपर में डाला था, तो देखिए ये पेपर जो है इसमें वो बैठे हुए है वहाँ पर, ये फहमीदा कासम खांडे जो है और इनके ग्रुप वाले म्यूनिसिपल के सामने। लेकिन मैं हार नहीं माना, मैंने भी वहाँ बैठ के पेपर बांटा, हर न्यूज पेपर में डाला कि इम्तियाज धूम पे कितनी बड़ी साजिश की जा रही, ये मुसलमान कौम है, बुरखा पहनते, नमाज और अल्लाह रसूल की बात करते, लेकिन इन लोगों की आदत पड़ी हुई कि एक जगह 4 से 5 लोगों को बेचने का, जब भी इनको कड़की लगती तकलीफ आती है तो ये यही तरीके का खेल करते हैं। आज के जमाने में कोई भी किसी के जगह के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, ये गांव खेड़ा कोई नहीं, ये शहर है बाकायदा, यहाँ कोई ऐसा बिला वजह कब्जा नहीं कर सकता कि एक साल तक का ये आए नहीं और मैंने इनकी जगह पे कब्जा कर दिया। ये यहाँ के गांव की पुरानी फैमिली, यहाँ इनको किसी के घर वालों को छेड़ दो तो ये लोग पूरा पूरा गांव मारने के लिए आ जाता है, गलती से किसी का धक्का लग जाता है तो लोग कुत्ता बना देते हैं सोचो आगे, तो मैं इनकी जगह के ऊपर 70 घर कैसे बना सकता हूँ? ये तो झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और कोर्ट में है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, और मैंने जिन लोगों को गरीबों को घर बेचा हूँ 2,000 रुपए महीने पे, उन लोगों की दुआएं मेरे साथ, इंशाल्लाह मैं कामयाब रहूंगा, मुझे पूरा यकीन है। बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई हमदर्द आगे बढ़े और इन लोगों को समझाए, क्योंकि वो भी मुसलमान है, मैं नहीं चाहता कि वो रस्ते में बदनामी हो, क्योंकि मैं तो हार मानने वाला हूँ, मैं लड़ते रहूंगा। ये लास्ट टाइम जो केस डिसमिस हुआ था उसका लेटर है, यानी ये आप लड़ाई नहीं कर रहे, ये अभी भी आप मैं समझाना चाहता हूँ। अच्छा, उन लोगों से मैंने लास्ट टाइम बोला था कि भाई अगर मैंने कुछ गलती किया हूँ कि भाई मैंने जैसा पेमेंट 1 साल में देना था तो आपको 1.5 साल में दिया हूँ, तो उसका मेरे से मुआवजा ले लो, 5 लाख 7 लाख 8 लाख। यासीन भाई से भी मेरी बात हुई थी, यासीन भाई ने कहा कि 300 की जगह 500 फुट का फ्लैट हो सकता है क्या? तो बोला ठीक है भाई 500 कर दूंगा, आप जो बोलोगे आप बड़े मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा हक दो के मतलब पूरा का पूरा वहाँ चले नहीं जाए। लेकिन उन लोगों के जहन में ये है कि जगह का आधा आधा उनको चाहिए या तो 50 लाख रुपए कैश चाहिए, और उनका जो एक बड़ा भाई हमीद डोंगरे, जिसको हमीद डॉन के नाम से जानते, वो हमेशा धमकी देते रहता है, डराते रहता है, अपनी बहन को गलत गलत रास्ते बताता है। किस तरह की धमकी? धमकी ये कि 50 लाख रुपया दो नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आपको सिद्ध करना पड़ सकता है। नहीं, मैंने हमीद डोंगरे के नाम पे कंप्लेंट किया हूँ भाई, 2 साल पहले कंप्लेंट किया हूँ, उसकी कंप्लेंट कॉपी है मेरे पास, और सोंडे साहब जब भी थे, सोंडे साहब के इसमें किया हूँ मैंने, इनकी कंप्लेंट है 2013 को इनकी कंप्लेंट की गई है, और मेरे वकील ने इनको नोटिस भी भेजा था कि आप लोग ये जो पेपर 50 लाख जो मांग रहे हो तो हमको आप 50 लाख दो। हमने उनके ऊपर अपने मानहानि का दावा किया था।
कौन सा मानहानि का हमने दावा किया था क्योंकि हम बार बार ये एक मराठी पेपर में मेरे को झूठ बोल के आरोप लगाए थे। अच्छा, तो हमारे वकील ने इनको नोटिस भेजा था कि 15 दिन के दिन अगर हमारा नहीं हो तो 50 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, मानहानि का दावा किया था, वो भी लेटर है हमारे पास। अच्छा अच्छा, जरा उलझनों में समझ नहीं आता कौन सा पेपर। नहीं नहीं, समझ गया। आपके पास में दस्तावेज है, आप अदालत से भी रुजू है, आप समझाना भी चाहते हैं, जो आप फैसला कर, आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कि भाई कोर्ट अभी कानून बाकी है। हाँ। कोर्ट जो भी फैसला करेगा मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर हाँ। मैं सही हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरे साथ है और हाँ। फैसला मेरे हाथ में होगा। हाँ। और मेरे हाथ में नहीं, मेरे जो लोग बेचारे गरीब जो बसे हुए वहाँ, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और मेरे भरोसे पर, मेरी जबान पर, उन लोगों को यकीन हो जाए कि भाई मैंने इन लोगों को पैसा दिया हूँ ताकि वो मुझे गलत नहीं समझे, मैंने इनको पूरा पूरा पैसा चुका चुका हूँ, बस उन लोगों का घर नहीं टूटे, उनका घर नहीं उजड़े। इसलिए आप लोग हर कोई मेरे लिए दुआ करे और उन लोगों के लिए दुआ करे जो गरीब है, जो परेशान है, जो बड़ी मुश्किल से 2000 रुपया भर के एक अपना घर बनाया। अच्छा। क्योंकि हर इंसान का सपना होता है कि मैं एक घर बनाऊं। ये 2000 की क्या योजना थी? ये मैंने 1,60,000 में घर बेचा था, 80,000 में लोगों को रहने दिया था और 2000 रुपया 40 महीने तक मैंने लिया था उन लोगों से, बिना ब्याज के, कोई ब्याज नहीं, इंटरेस्ट नहीं, हर महीने 2000 रुपए मैं उनसे जाके लेता था। उसमें काफी परेशानी, लोगों ने बोले कि भाई हमारी औरत प्रेग्नेंट है या हमारा बच्चा भी एडमिट है या घर में ईद आ गई, इम्तियाज भाई 2 महीने बाद ले लेना। तो मैंने काफी पेनल्टी लगा था लेकिन मैंने पेनल्टी लिया नहीं क्योंकि वो मेरा अपना परिवार बन गया, मेरा एक अपना घर बन गया और मुझे फख्र है कि मैंने वो काम किया। क्योंकि जब मैं जाता हूँ वहाँ पर तो उन लोग मुझे काफी इज्जत देते हैं, मैं उनके दरवाजे पे जब जाता हूँ तो कोई चाय पीने के लिए बुलाता है, कोई सेवई खाने के लिए बुलाता है और मेरे अब्बा को, मेरे वालिद को जब वो बोलते हैं कि भाई हमें बहुत मतलब फख्र है कि इम्तियाज भाई ने हमको घर दिया ऐसे माहौल में 2000 रुपए महीने पे, जब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो हमने हिम्मत करके घर लिया। तो हमारे अब्बा को जो है एकदम क्या कहते हैं कि एक फख्र होता है कि मैं ऐसे बाप, ऐसे बेटे की औलाद हूँ, ऐसे बेटे का बाप हूँ कि आज लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं। हाँ। तो उनको फख्र होता है अपने बेटे पर कि मेरे बेटे ने 2000 रुपए। जब आप जब इतने काबिल और इतने संगठित होकर के आप अपना नेकी का काम कर रहे थे तो कुछ लोग हैं आपके साथ? नहीं, ये मैंने अकेले, लोगों की दुआएं हैं। हाँ। कुछ मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त हैं। हाँ। आप जैसे काफी दोस्त है मेरे। हाँ हाँ। कुछ करीबी दोस्त है, प्रेस वाले किसी के दोस्त नहीं होते हैं, कुछ खास दोस्त भी है। हाँ। जैसे मकसूद भाई है, नईम भाई है। हाँ हाँ। ताहिर भाई है, ये लोग ने काफी मेरा साथ दिया। अच्छा। मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया। हाँ, क्या है ये जो है? अच्छा अच्छा, कोई नोटिस होती है? वकील के जरिए नोटिस भेजा था। हाँ हाँ। और दावा किया था 50 लाख रुपए। अच्छा अच्छा, कि बार बार आप मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ। मैं लेना नहीं चाहता 50 लाख। हाँ। लेकिन ये जो बिलाव जो मुझे टॉर्चर करते हैं ये मैंने भेजा था उनको। हाँ हाँ। एक मराठी अखबार है। हाँ। उसमें डाला था, मैं बता। हाँ, चलिए, उसका नाम ठीक है, नाम ठीक है, नाम ठीक है, उसका नाम असल में क्या होता है क्या, वो भी हमारी हमारी जाति के पेपर, मराठी पेपर में उन्होंने डाला था। हाँ। जबकि झूठा इल्जाम था पेपर वालों को। हाँ। बिना एविडेंस के कोई चीज छापना नहीं चाहिए। हाँ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो वही चीज बोल रहा हूँ जो। हाँ। मैंने दिया हूँ। हाँ। मेरे को इन लोगों ने बेवकूफ बना के चेक दिया नहीं कि वसीम अभी माथेरान में है, अभी वो 2 दिन में आएगा तो मैं आपको चेक दे देता हूँ। इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं था। अगर इनको चेक बाउंस हुआ था तो उसी वक्त इमीडिएट मेरे पे केस करना चाहिए था, 2 साल इंतजार नहीं करना चाहिए था। 2 साल के बाद इन लोग ने चेक जमा करके जाके एक चेक बाउंस कराया और आरोप डाला के 7 चेक का पैसा नहीं दिया, तो ये 2 साल तक बैठ के कर क्या रहे थे? 2 साल के बाद इनको पता चला कि 40 टूट के वहाँ टावर बन रहा है। हाँ। रुपये का 10 रुपया रेड हो गया। हाँ। तो इन लोगों के दिल में लालच आ गई। अच्छा। बस ये लालच का नतीजा है, लेकिन आखिरत में इनको जवाब देना पड़ेगा। जो आज मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ। जो मतलब जहनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ। मैं दूसरा काम नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से। हाँ। काफी परेशान हूँ, घर वाले परेशान है। हाँ। घर वालों का कहना है कि वो बड़े लोग है। हाँ। अमित भाई कल लड़के लेके पिटवा सकता है, नदीम लड़कों को लेकर धमकी देता है। हाँ। तो कल को अगर इन लोगों ने अपने बच्चों को कुछ कर दिया। हाँ। तो क्या करेंगे? तुम एक काम करो, जितनी प्रॉपर्टी सब लिख के दे दो। हाँ। अपने को नहीं चाहिए, बीवी बच्चे रात दिन समझाते हैं, फिर आप भी 2000 घर में जीते हैं, फिर आप भी 2000 वाले घर में चले जाएंगे। हाँ, वो तो ये हो सकता है, वो बोल नहीं सकते, वो भी नसीब होता कि नहीं, फिर हर कोई इम्तियाज नहीं बनता ना। फिर भी अल्लाह जो है ना अपनी कुदरत कहीं ना कहीं दिखाता है। इंशाल्लाह आपको शुभकामनाएं, आपकी शुभ, आप दुआ करें और लोगों से कहिए कि मेरे लिए दुआ करें और कोई इनको समझाए।
चलिए ठीक है, आप चूंकि यानी समझाना चाहते हैं इसलिए हम भी जो है आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाई है, मैं उनके लिए भी गलत दुआएं नहीं कर सकता, अल्लाह ताला उनको खैर और बरकत दे, लेकिन उनको आखिरत से डर लगे कि जो चीज हक का बनता उनका, वो बैठे बात करे कि भाई 2 लाख 5 लाख 7 लाख जो हक है उनका, तो वो मैं अभी भी देने को तैयार हूँ, बाकी तो जुल्म नहीं करे। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं आपको और उनको भी अल्लाह समझ।